हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक फंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन का लेयर डायग्राम पीएन जंक्शन को हम डायोड क्यों और कब बोलते हैं और हमने देखा था डायोड का सिंबल कैसा होता है आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाय जैसा कि हम जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन जबकि माइनॉरिटी कैरियर हैं होल्स वैसे ही P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर हैं होल्स और माइनॉरिटी कैरियर हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स इसका क्या मतलब हुआ जब हम पी जंक्शन सेमीकंडक्टर बिल्ट करते हैं बनाते हैं तो उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है नॉन यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है कि एन टाइप में आपको इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे जबकि होल जो है वो कम मिलेगा ठीक है वैसे ही पी टाइप में क्या होगा आपको होल ज़्यादा मिलेगा जबकि इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा तो ये क्या होता है एन टाइप में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जबकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम है है ना तो ये क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज कैरियर वैसे एन टाइप में होल कम है तो पी टाइप में ज्यादा हो गया तो ये भी क्या है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ठीक है तो पीएन जंक्शन किस तरह का आपको बना हुआ दिख रहा है ऐसा दिख रहा है कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल जो हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है अब की तरफ देखिए इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर में हैं जबकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनोरिटी कैरियर में ठीक है तो अगर सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन को लेके देखूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए एन जो क्या हो जाएगा आपका हायर कंसंट्रेशन वाला रीजन हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा आपको एन टाइप में जबकि पी टाइप में मैं देखूंगी लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ठीक है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में है यानी कि एन क्या है हायर कंसेंट्रेशन रीजन बन चुका है हायर कंसेंट्रेशन रीजन बन गया किस मामले में इलेक्ट्रॉन के मामले में जबकि पी के पास इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए वो लोअर कंसनट्रेशन रीजन बन चुका है किसके मामले में इलेक्ट्रॉन के मामले में है ना तो एन हायर कंसेंट्रेशन रीजन है जबकि पी लोअर कंसनट्रेशन रीजन है इलेक्ट्रॉन को अगर अपन देखें तो है ना तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका मूव करना चाहेगा हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मतलब कि एन से पी की तरफ क्या बोला मैंने इलेक्ट्रॉन आपका मूव करना चाहेगा एन यानी कि हायर कंसंट्रेशन रीजन से कहा पी यानी कि लोअर कंसंट्रेशन रीजन में वैसे होल कैसे मूव करना चाहेंगे आपके होल जो कि पी टाइप में ज्यादा है यानी होल के लिए पी क्या है हायर कंसेंट्रेशन रीजन है जबकि एन क्या है लोअर कंसंट्रेशन रीजन है तो होल कैसे मूव करना चाहेगा पी से एन की तरफ मतलब हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ तो हमने यहाँ पे किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है लेकिन क्योंकि हमारा पीएन जंक्शन नॉन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज कैरियर है इसमें इसलिए हमारा चार्ज कैरियर हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाना चाहेगा यानि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एन से पी की तरफ जबकि होल मूव करना चाहेंगे पी से एन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा होल की तरफ और होल कैसा मूव करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ मतलब एन टाइप की तरफ ठीक है तो ये जो मूवमेंट होगी मोबिलिटी होगी या मोशन होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की एन रीजन से निकल के पी रीजन की तरफ एंड होल की रीजन से निकल के एन रीजन तक ये आपकी क्या कहलाएगी ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी डिफ्यूजन क्या कहलाएगी डिफ्यूजन डिफ्यूजन और ये क्यों हुई? नॉन यूनिफॉर्मल बिहेवियर ऑफ पी एन जंक्शन हमें पता है कि होल का जो मूवमेंट होता है वो एपेरेंट होता है एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को लेके चलते हैं ठीक है जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करके पी रीजन की तरफ जाएगा तो क्या होगा वो होल में जाके डिफ्यूज हो जाएगा या हम कहेंगे कि होल जो है होल इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जो है आपस में क्या हो जाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे है ना कैसे न्यूट्रलाइज हो गए ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के पी टाइप की तरफ गया पी टाइप की तरफ गया तो वहां पे होल ने उसको क्या किया एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करते ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज होके क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे. हो जाएंगे मतलब कि गायब हो जाएंगे है ना तो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में डिस होने लग जाएंगे अब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के मूव करेगा पी की तरफ जाने की कोशिश करेगा होल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो उसकी जगह हमको क्या मिलेगा उसकी जगह हमको मिलेगा पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जब वो अपनी जगह को छोड़ के मूव करता है तो हमें उसकी जगह क्या मिलता है पॉजिटिव आयन मिलता है क्यों क्योंकि चार्ज जब भी किसी बॉडी से बाहर आती है तो बॉडी क्या हो जाती है पॉजिटिव ठीक है तो इलेक्ट्रॉन की जगह क्या मिलने लग जाएगा आपको पॉजिटिव आयन्स मिलने लग जाएंगे ठीक है वैसे ही होल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर गायब हो जाएंगे डिसअपेयर हो जाएंगे तो इस होल की जगह क्या मिलने लग जाएगा आपको निगेटिव आयन तो होल खुद पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पेयर डिसअपियर होते हैं तो होल की जगह हमको क्या मिलता है निगेटिव आयन क्यों क्योंकि जब भी कोई बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करती है जैसे होल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो बॉडी क्या बन जाती है नेगेटिव बन जाती है वैसे ही होल की जगह हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव आयन अच्छा जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के मतलब एन रीजन छोड़ के पी की तरफ गया तो इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के वजह से जो करंट फ्लो हुई उसको हमने कहा डिफ्यूजन करंट इसको हमने क्या कहा डिफ्यूजन करंट मान लीजिए मैं उसका नाम दे देती हूँ आई डिफ यानी कि डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या हुई जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस के वजह से जनरेट हुई डिफ्यूजन प्रोसेस के वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के मतलब हायर कंसंट्रेशन से कहाँ गया लोअर कंसंट्रेशन की तरफ रीजन की तरफ गया और उस मूवमेंट की वजह से जो करंट फ्लो हुई वही आपकी क्या डिफ्यूजन करंट अब इस डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन होगा हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक मान लीजिए एन में आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो एन क्या हो गया हायर कंसंट्रेशन रीजन हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए और पी क्या हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए लोअर कंसंट्रेशन रीजन हो गया तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगी एन से पी की तरफ हायर कंसनट्रेशन रीजन से लोअर कंसनट्रेशन रीजन की तरफ ठीक है अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर करके होल में मर्ज होने लगा न्यूट्रलाइज होने लगा तो उसकी जगह हमको क्या मिल गया था पॉजिटिव आयन है ना वैसे ही होल की जगह हमको क्या मिल गया था निगेटिव आयन ठीक है तो कुछ देर बाद क्या होगा कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होगा इलेक्ट्रॉन और होल जो है आपस में न्यूट्रलाइज होके रिकम्बाइन होके डिसर होते जाएंगे और उनकी तक जगह हमको पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन जो है मिलता जाएगा तो हमारे पास एक क्या होगा डिप्लेशन लेयर तैयार हो जाएगी एक बैरियर हमारे पास तैयार हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल बैरियर क्यों क्योंकि एक साइड हमारा पॉजिटिव है और दूसरी जगह हमारा क्या दूसरा साइड क्या हमारा निगेटिव हो गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैंने कहा वी ठीक है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी एन से पी की तरफ तो ऐसा हमको लग रहा है कि पी एन जंक्शन में एक इंटरनल बैटरी लगी हुई है वी वोल्ट की वी मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट की बैटरी लगी है जो फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकेगी जो इस इलेक्ट्रॉन को अब पी साइड की तरफ नहीं आने देगी क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज कैरियर और यहां पे हमको मिल रहा है निगेटिव आयन तो दोनों निगेटिव क्या होंगे आपस में रिपल करेंगे इसका मतलब फर्दर डिफ्यूजन जो है वो नहीं हो पाएगा और किसी तरह के डिफ्यूजन करंट जो है फ्लो नहीं होगी पी जंक्शन में ठीक है अब ये जो इंटरनल बैटरी आपको दिख रही है इसका कनेक्शन कैसा है एन में हमने लगाया है पॉजिटिव साइड इसका और पी में हमने लगाया है इसका निगेटिव साइड एन यहाँ पे पॉजिटिव आयन मिल रहा है तो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया है यहाँ निगेटिव आयन मिल रहा है तो यहाँ पे हमने निगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया है ठीक है और अगर हम चाहते हैं कि डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन हो जाए ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये ब्रेक डाउन हो जाए तो हमको क्या करना होगा हमको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना होगा जो कि क्या होगा कम से कम V वोल्ट के बराबर होगा इतना ही होगा जितनी कि ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे इंटरनल बैटरी ठीक है तो कम से कम V वोल्ट के बराबर होगा और इसके अपोजिट नेचर का होगा ठीक है तो यहाँ पे जो बैटरी का डायरेक्शन है है ना इसके अपोजिट हम लगाएंगे एक्सटर्नल बैटरी का डायरेक्शन और कम से कम वी वोल्ट की वैल्यू रखेंगे या उससे ज्यादा जैसे हमने देखा था सिलिकन के केस में पॉइंट सेवन वोल्ट एंड जर्मेनियम के केस में पॉइंट थ्री वोल्ट इतना कम से कम हमको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना होगा पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को वापस से डिफ्यूज कराने के लिए यानि कि वापस से पीएन जंक्शन में करंट फ्लो कराना है तो आपको एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करनी होगी मैंने क्या किया है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है ठीक है वी एफ एफ का मतलब क्या है फॉरवर्ड बायसिंग है ना? एक्सटर्नल जैसे पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं ये जो हम बैटरी कनेक्ट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे वी एफ वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है तो एफ क्या शो कर रहा है फॉरवर्ड बायसिंग है ना तो ये जो वी एफ वोल्टेज है ये क्या आपकी कहला रही है बाइसिंग तो अब मैं क्या करूँगी एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करूंगी पीएन जंक्शन में ठीक है इस एक्सटर्नल बैटरी को जो मैं कनेक्ट करूंगी इसको मैं बोलूंगी बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन ठीक है तो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन का क्या मतलब है कि पीएन जंक्शन में एक्सटर्नल बैटरी लगाना ठीक है तो मैंने मान लीजिए वी वोल्ट की एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर दी है किसमें पीएन जंक्शन में तो मैंने कहा बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन हो गया है ना अब अगर मुझे पोटेंशियल बैरियर को या डिप्लेशन लेयर को ब्रेक डाउन करना है तो मुझे बैटरी किस तरह से लगानी होगी मुझे बै बैटरी लगानी होगी फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस में यानी बाइसिंग कैसी करनी होगी फॉरवर्ड है ना फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मतलब है सिंपल जो निगेटिव साइड है उसको बैटरी के निगेटिव से जोड़ दो और जो पॉजिटिव साइड है उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए एन क्या होता है आपका एन फोर निगेटिव यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि होते हैं निगेटिव चार्ज है ना तो हमको क्या करना होगा एन को बैटरी की निगेटिव से जोड़ना होगा एज सिंपल ठीक है और पी क्या होता है पी मतलब होता है पॉजिटिव तो पी टाइप सेमी कंडक्टर है मेजोरिटी कैरियर होते हैं होल होल क्या होता है पॉजिटिव चार्ज इसलिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर दीजिए पी साइड को तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ट्रू कनेक्शन हम बोलते हैं ट्रू कनेक्शन यानी कि फॉरवर्ड बायस तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है एन जो होता है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है और पी जो होता है वो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है तो हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दिया है है ना अब हम इसकी स्टडी करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग में जैसे हाँ ही मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी लगाई पीएन जंक्शन में वी वोल्ट की जिसका मैंने नाम दिया वी एफ एफ का मतलब क्या है फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि एन साइड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दो पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दो एन फॉर निगेटिव निगेटिव पी फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव इसको हम बोलेंगे ट्रू कनेक्शन यानी कि फॉरवर्ड बायस तो फॉरवर्ड बायसिंग मैंने अप्लाई कर दी है जैसे मैंने वी एफ वोल्टेज अप्लाई किया तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग के वजह से मान लीजिए तो मैंने इसका नाम दे दिया ई एफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव टू निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल इससे पहले भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ठीक है इसका डायरेक्शन क्या था ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव थी लेकिन इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट थी तो डिफ्यूजन के वजह से जो डायरेक्शन था वो ऐसा था ठीक है जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है ऐसा है दोनों ही पॉजिटिव टू नेगेटिव है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रही हैं तो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी वो ये थी आपकी इस डायरेक्शन में एंड फॉरवर्ड वोल्टेज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो ऐसी है डायरेक्शन इसका देख लें अब क्या होगा ये जो निगेटिव टर्मिनल है आपकी बैटरी का ये इस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को यहाँ सर्किट में फ्लो नहीं होने देगा क्यों क्योंकि निगेटिव निगेटिव आपस में रिपल करेंगे ठीक है वैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज होल को यहाँ नहीं आने देगा सर्किट में क्यों क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आपस में रिपल करेंगे ठीक है तो मैंने कनेक्शन किस तरह से लगाया है एन को निगेटिव से जोड़ा है ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से रिपल करे वैसे ही ये जो होल है इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से रिपल करे यानी ये आउटर सर्किट में नहीं आ पाए इनका डायरेक्शन कैसा हो बाहर की तरफ ना हो इनवर्ड डायरेक्शन हो ठीक है तो ये निगेटिव टर्मिनल इस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपल कराएगा उसके वजह से क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन जो है अब आउटर सर्किट में जाने के बजाय पी साइड जाना चाहेगा इसकी मूवमेंट कैसी होगी इसकी मूवमेंट होगी पी की तरफ वैसे होल कहाँ जाना चाहेगा आउटर सर्किट की जगह ये जाना चाहेगा एन की तरफ ठीक है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी की तरफ जाना चाहेंगे जबकि होल जो है वो पी से एन की तरफ जाना चाहेंगे है ना तो क्या होगा इनकी मूवमेंट आपस में एक दूसरे की तरफ होगी तो उससे क्या होगा आपका ये डिप्लेशन लेयर जो है ये क्या होगा इसकी विर्थ जो है विर्थ यानी कि डी जो है वो कम होती जाएगी इसकी विर्थ शॉर्टन होती जाएगी रिड्यूज होती जाएगी ठीक है तो मैंने क्या कहा मैंने कहा कि n को निगेटिव टर्मिनल से क्योंकि आपने जोड़ा है तो ये निगेटिव टर्मिनल इस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फ्लो नहीं होने देगा बल्कि पुश इन साइड मतलब p की तरफ फ्लो होने के लिए पुश करेगा वैसे ही यह पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस पॉजिटिव चार्ज होल को यहाँ फ्लो नहीं होने देगा बल्कि पुश करेगा एन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज होके पी की तरफ जाएंगे और होल जो है अपेन्टली अपने अंतरिली डिफ्यूज होके N की तरफ जाएगा तो इस मूवमेंट के इंटरनल मूवमेंट के वजह से क्या होगा ये जो आपकी डिप्लेशन लेयर थी विरथ जिसका D था अब ये डिप्लेशन लेयर जो है वो रिड्यूस होने लग जाए लग जाएगी ठीक है अगर मान लीजिए आपकी डिप्लेशन लेयर का क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये रिड्यूस होने लग जाएगा क्यों क्योंकि इस बैटरी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जनरेट हुआ था दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे रिड्यूस कर देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इसके रिडक्शन के वजह से क्या होगा ये जो आपका क्या है डिप्लेशन भी रिड्यूस होने लग जाएगा कम होने लग जाएगी इसकी विर्थ कम होने लग जाएगी अब इस फॉरवर्ड वोल्टेज के वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था पॉजिटिव टू निगेटिव पॉजिटिव टू निगेटिव था ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये थी बैटरी के वजह से तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी ऐसी होगी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा पी के साइड जाने लग जाएगा मतलब कि फर्दर डिफ्यूजन जो है वो चालू हो जाएगी ठीक है तो इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से आपकी करंट फ्लो होगी और उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा है ना और इस करंट को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट आई ड्रिफ्ट इसको हम क्या बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट क्यों क्योंकि ये ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से प्रोड्यूस हुआ है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुई उसको हमने कहा ड्रिफ्ट करंट ठीक है तो जब भी हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके वजह से हमको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन एज यूजुअल पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा ठीक है जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा उसकी मूवमेंट और मोबिलिटी के वजह से जो करंट आपकी फ़्लो होगी उस करंट की डायरेक्शन हमेशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी और उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट क्योंकि वो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से मिली है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ ड्यू टू दिस अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता जाएगा और इस ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगी आपकी ड्रिफ्ट करेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी ठीक है मेन चीज क्या आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ करंट और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है जो आपने अप्लाई करी फॉरवर्ड वोल्टेज उसके वजह से इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा ठीक है अपोजिट होगा इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे और उस वजह से आपकी डिप्लेशन लेयर की व्यथ जो है जो डी डिस्टेंस है आपका डिप्लेशन लेयर का वो कम होता जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से पी साइड की तरफ डिफ्यूज़ होगा ठीक है अब जैसे ही आप फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं ना ऐसा तो नहीं कि अचानक से आपने वोल्टेज अप्लाई किया और जो है आपको कंडक्शन uh, आपका पीएन जंक्शन में होने लगा ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में क्या होता है ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है ये वेरिएबल होता है क्या होता है वेरिएबल होता है उसका क्या मतलब है कि धीरे धीरे हम इस फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं है ना और हमको पता है कि जैसे ही हम सिलीकन के केस में 0.7 वोल्ट पे इसको ले जाएंगे एंड जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट पे ले जाएंगे तो हमारा डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन होगा और हमारा कंडक्शन जो है सर्किट में पी एन जंक्शन में वो पॉसिबल होगा तो हमको क्या करना है ये जो वी एफ है उसको वेरिएबल रखना है और उसकी वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है ताकि हमारा पोटेंशियल बैरियर जो ब्रेकडाउन हो एंड पर्टिकुलर वैल्यूज पे आपका क्या होगा कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकेगा देन आप जैसे जैसे और इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको करंट जो है सर्किट में वो और ज्यादा मिलेगी ठीक है अब जो ये करंट है आपकी और किस किस चीज पर डिपेंड करेगी सर्किट में जो टोटल करंट आपको मिलेगी और किस चीज पर डिपेंड करेगी डिपेंड करेगी कि आपने पीएन जंक्शन बनाने के टाइम पी टाइप और एन टाइप में कितनी इंप्योरिटी ऐड करी है मतलब ये डिपेंड करेगी करंट डोपिंग ऑफ पीएन जंक्शन पे डोपिंग ऑफ सेमी कंडक्टर्स पे ज्यादा डोपिंग करेंगे हम उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी आपके सर्किट में अच्छा टोटल करंट यानी कि नेट करंट क्या होगा आपका पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग में नेट करंट होगा आपका एक तो होगा आपका डिफ्यूजन करंट ठीक है प्लस आपका ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू द अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमेशा हायर कंसंट्रेशन वाली रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाली रीजन की तरफ कंसंट्रेशन का है चार्ज कैरियर का, का ठीक है और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमेशा किसके कि उसमें डायरेक्शन में अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्शन में या हम कहेंगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इसका मूवमेंट होगा तो नेट करंट क्या होगी डिफ्यूजन करंट प्लस ड्रिफ्ट करंट ठीक है एट इक्विलीब्रियम एट इक्विलिब्रियम क्या होगा जो आपकी नेट करंट होगी वो होगी जीरो एट इक्विलिब्रियम नेट करंट होगी ज़ीरो क्योंकि इक्विलिब्रियम में आइट डिफ्यूजन डिफ्यूजन करंट जो है वो किसके डिफरेंट ये ड्रिफ्ट करंट के इक्वल होती है तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम नेट करंट होगी आपकी जीरो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा अगर मैं एक डायोड का सिंबल बनाती हूँ तो इसको मैं फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट करूँगी ये होगा आपका एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है ना पी मान लेते हैं इसको पी साइड ठीक है ये होगा आपका कैथोड यानि कि नेगेटिव टर्मिनल इसको मान लेती हूँ मैं एन साइड ठीक है एन साइड हो गया पी को किससे कनेक्ट करना है पॉजिटिव से एन को किससे कनेक्ट करना है निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ये हो गया आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड कर दिया आपने ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी फॉरवर्ड वोल्टेज और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिफ्यूजन के वजह से बना था वो ये हो गया ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी यानी जो ड्रिफ्ट करेंट होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा ठीक है तो ये आपका सिंबल से भी आप शो कर सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग है ना तो ये हो गई आपकी पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग और ये हो गया आपका पीएन डायोडिन फॉरवर्ड बायसिंग